चलिए हम आज जो विशेष चीज के लिए जुड़े हैं उस पे हम लोग पहले बात करें। ये सैलोज मुखर्जी के विषय में, जो हिंदुस्तान के एक वरिष्ठ कलाकार माने जाते हैं आधुनिक चित्रकला के दौरान, तो उनकी कला के ऊपर आज हम विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे विचार से एक कलाकार को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होती है, उनके अपने काम से बेहतर कोई भी उनका परिचय नहीं करा सकता। आनंद कुमार स्वामी का वक्तव्य भी नहीं, जो उदाहरण स्वरूप उन्होंने कांसे की नटराज की मूर्ति के लिए लिखा था, अनंत कुमार स्वामी की बुक है द डांस ऑफ शिवा, तो नटराज के रिदम से प्रभावित होकर इन्होंने कहा है। थोड़ी देर के लिए हम इसको इनके संदर्भ में जोड़ भी लें तो हम जानते हैं कि क्या कहते हैं अनंत कुमार स्वामी। थोड़ी देर के लिए जोड़ कर देखते हैं कि अनंत कुमार स्वामी कहते हैं कि भगवान ने जैसे आलोचकों को बनाया वैसे ही कलाकार को भी बनाया। सर विलियम रोथेनस्टीन का नाम सुना होगा आपने। 19 दिसंबर 1914 को लिखे गए पत्र में कुमार स्वामी कहते हैं कि वे उन कार्यों के लिए न्याय पाने के लिए बाध्य महसूस करते हैं जिन्होंने उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनके अपने काम में सुंदरता पैदा करने का साधन हो सकता है। सैलोज मुखर्जी भारतीय चित्रकारों की दूसरी पीढ़ी में सबसे प्रतिष्ठित हैं। प्रतिष्ठित कला पत्रिका द स्टूडियो ने उन्हें भारत के सबसे परिपक्व चित्रकारों में से एक के रूप में वर्णित किया है। एक कला पत्रिका आधुनिक कला के इतिहास को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत सारी कला पत्रिकाओं के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी, जिसमें द स्टूडियो भी एक महत्वपूर्ण पत्रिका है ना। जैसे मार्ग एक महत्वपूर्ण पत्रिका है, उसी प्रकार स्टूडियो पत्रिका भी एक महत्वपूर्ण पत्रिका मानी जाती है। लियोनार्डो नाम की एक पत्रिका आती है, तो स्टूडियो में उनके विषय में उन सब कहा गया सैलोज मुखर्जी के विषय में कि ये अपने समय के सबसे मैच्योर्ड आर्टिस्ट माने जाते हैं। उनका जन्म 1907 ईस्वी में कलकत्ता के एक प्रतिभाशाली परिवार में हुआ। अपना बचपन वर्धमान यानी जो तत्कालीन बंगाल में बिताने के बाद उन्होंने अपनी प्रारंभिक सामान्य शिक्षा वहां के लोकल स्कूल से प्राप्त की और बाद में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता में अपनी कला की शिक्षा प्राप्त की। आपने इंपीरियल टोबैको कंपनी के लिए कुछ समय तक काम किया, उनके लिए डिज़ाइन बनाए और फिर उन्होंने 1937 ईस्वी में कलकत्ता में अपना पहला वन मैन शो आयोजित किया। जल्दी वह कला की दुनिया में नवीनतम विकास से खुद को परिचित कराने के उद्देश्य से यूरोप रवाना हो गया। बहुत जल्द उनको लगा कि जो कला के नवीनतम विकास हो रहे हैं उस विकास से हम लोग स्वयं मैं नहीं जान रहा हूँ कि क्या क्या दुनिया में हो रही है, तो इसलिए वो यूरोप रवाना हो गए कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा। और जब वो यूरोप रवाना हुए तो मैं बताऊँ आपको कि क्या हुआ कि यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात मैतीस से हुई। सेजान के शताब्दी समारोह पेरिस में इन्होंने हिस्सा लिया, हाँ भाग लिया। कई अन्य संग्रहालयों और दीर्घाओं का दौरा करने के बाद साथ साथ इन्होंने जो है वैन गॉग, मतीस, सेजान इन सब की प्रदर्शनी को घूमे। जैसे पेरिस में सेजान और वैन गॉग की, एम्स्टर्डम गए तो वहाँ रेम्ब्रांट की प्रदर्शनी को देखे और वेनिस में टिंटोरेटो की एग्जीबिशन को देखे। जब हार्लेम गए
तो वहाँ फ्रेंस हल्स के एग्जीबिशन को चेक देखा इन्होंने। तो इस तरह से यूरोप की यात्रा में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। फ्रेंस हल्स के एग्जीबिशन जो आर्टिस्ट थे वो पोर्ट्रेट के आर्टिस्ट थे, उसकी प्रदर्शनी का भी इन्होंने अवलोकन किया। उन्होंने मिस्र, तिब्बत और सिक्किम की यात्रा की। सन 1930 के दशक के अंत में कलकत्ता में इन्होंने अपना दूसरा वन मैन शो आयोजित किया। उनके कार्यों की ऊर्जा, उत्साह और जीवनी शक्ति ने उन्हें जल्द ही अवनींद्रनाथ टैगोर, जू पियोन और ये चीन वू जैसे प्रख्यात कलाकारों के बीच लोकप्रिय बना दिया था। आज माइक नहीं लगाया, पता नहीं आवाज़ कैसी लग रही होगी, अब लगा ले रहा हूँ, याद आया मुझे। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को लेक्चर आवाज़ सुनाई दी होगी अच्छे से अब तक जो मैंने बताया है। तो ये चीन वू एक जो विदेशी आर्टिस्ट थे, चाइनीज आर्टिस्ट थे, इन्होंने उनका एक स्केच भी बनाया था जिसे सैलोज मुखर्जी ने अपने आखिरी दिनों तक संभाल कर रखा था। याद रखें कि जो मैं आज लेक्चर में बता रहा हूँ वो बहुत कम पुस्तकों में उपलब्ध है, बहुत ही उम्दा मटेरियल है। और जो मैं बताऊँगा आपको सैलोज मुखर्जी के विषय में वो इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ विशेष डिस्क्रिप्शन दूंगा, सबसे अंत में कुछ तस्वीरों की प्लेट के विषय में भी जानकारी दूंगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मई 1951 ईस्वी में उन्होंने प्रसिद्ध पेरिस प्रदर्शनी सैलोन डी माई में कन्फेशन और विंड नामक अपने दो चित्र का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी में पिकासो, जॉर्ज रुवाल्ट, फर्ना लेजे और जैसे मास्टर कलाकारों सहित 21 देश के लगभग 300 कलाकार शामिल थे, जहाँ संभाल कर रखा था। जो भी प्रश्न होंगे आपके, आप जो टाइप कर रहे हैं, यदि वीडियो ये जब अपडेट हो जाएगी YouTube के द्वारा बाद में, तो आप रिपीट करके देख सकते हैं। तो इसमें कभी कभी 12 घंटा भी लग जाते हैं उसको अपडेट होने में। और ओके, थैंक यू जानवी। और दिल्ली में उनकी पहली प्रदर्शनी जो हुई सैलोज मुखर्जी की, वो 1945 में दिल्ली के टाउन हॉल में आयोजित की गई। शारदा चरण उकील का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने दिल्ली में स्कूल खोला था। तो दिल्ली के उकील स्कूल ऑफ आर्ट में ये कला संकाय के तौर पे शिक्षण दिए, बाद में दिल्ली पॉलिटेक्निक के कला विभाग में भी शामिल हो गए, जहां वे 5 अक्टूबर 1960 को अपने निधन तक जुड़े रहे थे। ये एक ऐसे चित्रकार थे जिसकी रचनात्मकता ने अतीत से वर्तमान तक के परिवर्तन को प्रसारित किया। जो भी चेंज हो रहे थे प्राचीन काल से अभी तक में, उसको प्रसारित किया। उनके कार्यों में पुराने और नए की प्रक्रिया में एकजुटता के लिए, आज तक के लिए एक सेतु और एक जोड़ने वाली कड़ी के रूप में आप देख सकते हैं काम किया है इन्होंने। सैलोज मुखर्जी की कला में बंगाल स्कूल, गढ़वाल शैली, 19वीं सदी के रोमांटिकिज्म से जुड़ी कई विशेषताएं थीं। उनके चित्रों में सबसे पहले आप जाने की एक स्पष्ट विषय है, जो उसका विषय है वो बहुत स्पष्ट तौर पे उजागर किया गया है, विषय जिसे हम कलात्मक कह सकते हैं, आर्टिस्टिक कह सकते हैं, है ना। यद्यपि उनके कार्य जो है वास्तविक दुनिया के दृश्यों पर आधारित थे, यथार्थ जिंदगी पर आधारित थे, फिर भी उनके चित्रों में मूल रूप से दूरदर्शिता के तत्व थे। एकदम जो क्रिएटिव आर्ट के फील्ड में न्यू इनोवेशन के तौर पे क्या हो रहे हैं, है ना, तो उसकी चिंता भी उनके कार्यों में दिखती है। अब हम सैलोज को बहुत अधिक आधुनिक माना जाता था,
माध्यमों के उन्मुक्त और सहज संचालन में उनकी समकालीनता देखी जा सकती है। उनके आकृतियां जो रहीं, जो फिगर उन्होंने बनाए, वो केवल आकृतियां नहीं हैं बल्कि कलर्स के एक धब्बे के रूप में, पैच के रूप में हैं। वस्त्र बनाए, बाल बनाए, वृक्ष बनाए, वो भी विमुक्त फ्री रंगों के, स्वतंत्र रंगों की भांति हैं। मानो उनके पतले ब्रश स्ट्रोक ने स्पेस में बहते हुए गया और एक उत्साही कला आंदोलन थी आर्ट नोव्यू, उस कला आंदोलन के भांति इसमें आकृतियों को सजा दिया गया है। आर्ट नोव्यू कला के विषय में आप लोग अलग से पढ़ेंगे। उन्होंने कथ्य के संदर्भ के लिए जो कंटेंट होती है पेंटिंग की, उसके में संदर्भ को प्राथमिकता दी, उसके लिए रेफरेंस को प्राथमिकता दी, और उन्होंने जो डिटेल बनाए हैं उन अपने चित्रों में, वो केवल सजावट की सही मात्रा है। एक तरह से एक डिज़ाइन में सही मात्रा में सजावट होनी चाहिए, वो उनके डिटेल्स हैं। पेंट और ब्रश के प्रति उनका रवैया भी बहुत आधुनिक रहा, आबाधित, उत्साही, निर्बाध और क्षणिक था। सरोज मुखर्जी की शैली उनके व्यक्तित्व का स्वाभाविक प्रतिबिंब हुआ करती थी। वे बहुत कम विचलन वाले, शांत, गहरे, विचारशील और जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने कला का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था और प्राचीन कार्यों से सीखने का मौका कभी नहीं गंवाया। उनके काम का मुख्य माध्यम तैल चित्रण था। याद रखेंगे आप सभी लोग, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं, आ सकते हैं। तो ये एक ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने ऑयल कलर में काम किया। इनकी और विशेषताएं क्या है वो मैं अपने लेक्चर में अभी बताने जा रहा हूँ आगे आपको, उसको आप ध्यान से सुनें। लोक कला पर उनकी रचनाएं मुख्य रूप से काली रेखाओं से रंगी हुई हैं, जो दिखा रहा है कि उन्हें समतल रंग के आकार के बनिस्पत रूपों में, यानी फॉर्म में बहुत दिलचस्पी नहीं थी। वो फ्लैट कलर के सरफेस पे ज़्यादा भरोसा करते थे, न कि उसके फॉर्म के एग्जिस्टेंस के प्रति। रंगों के सौंदर्य को, समतलत्व के, सतह के समतलत्व के प्रभाव को वो बहुत अच्छे से महसूस करते थे। याद होगा आपको, विदेशी कलाकारों ने जो बनाए हैं ये पेंटिंग्स, वाइट ऑन वाइट, यानी रंग के ऊपर, एक सतह के ऊपर उसी रंग की आभा, तो वैसे ही चित्र में समतलत्व को लेकर के आधुनिक कला के दौर में बहुत अच्छी तरीके से एक मूवमेंट चल रही थी, जिज्ञासा चल रही थी कलाकारों के भीतर। उसमें इन्होंने फ्लैटनेस को बरकरार रखा, उस पर केंद्रित रखा अपना ध्यान। रूप को उन्होंने, यानी फॉर्म को कम महत्व दिया। उनकी ब्रश की रेखाएं जो हैं वो वास्तविकता को नहीं दोहराती हैं बल्कि जीवंत और अलंकारिक होना पसंद करती हैं। लाइवनेस दिखता है इनके ब्रश स्ट्रोक में, एक डिजाइन सेंस दिखता है। और कला रूप जिसके साथ उन्होंने खूब खेला था वो था उनका इंक ड्राइंग, स्याही रेखा चित्र, जिनमें जीवंतता के साथ साथ एक सुलेखीय गुण थे। सुलेखीय गुण का तात्पर्य हुआ आपको कैलीग्राफी स्टाइल, जो लेटर राइटिंग जो करते थे, फारसी लेटर राइटिंग, तो वो कैलीग्राफी सदृश से ब्रश के स्ट्रोक मूव कराते थे। और जो संपूर्णता में एक पैटर्न के रूप में दिखाई देता है, एक डिज़ाइन सेंस के रूप में वो चित्र में दिखाई देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक अन्य प्रकार का जो सैलोज का अभ्यास था वो था टोनल स्केच। आप लोग भी टोनल स्केच करते हैं। इसके लिए कलाकार ने अलग अलग प्रकाश और गहरे रंग के क्षेत्रों को बनाने के लिए पेंसिल जैसे तेज धार वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया। पेंसिल जैसे माध्यम से ही कहीं आप डार्क लाइट शेड देते हुए ड्राइंग करते हैं, वैसे उन्होंने भी किया। सरोज मुखर्जी उन भारतीय चित्रकारों में से एक रहे हैं जिन्होंने तेल के रंग का इस्तेमाल समझबूझकर, आत्मविश्वास के साथ और उसके सद्गुण के साथ किया। उनके रंग बहुत पतले, यानी ट्रांसपेरेंट, स्पष्ट और चमकदार हैं। तेल माध्यम के संयोजन चित्र, कंपोजिशन पेंटिंग उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में उन्होंने किसी भी स्पष्ट रूप से रंगों के गतिमय प्रयोग से व्यवस्थित
स्पेस का निर्माण किया। उनकी रचनाओं में आकृतियां अक्सर बड़े आकार की नहीं हैं, लेकिन वास्तुकला जो आर्किटेक्चर है, जो भूदृश्य है, जो पेड़ बने हैं, उनके साथ वो दृश्य पटल पर उपस्थित हैं। मनुष्य की आकृति हो या पशु की आकृति हो, चरित्रों के चित्रण में जो कैरेक्टर होते हैं व्यक्ति का, उसके चित्रण में कोई मॉडलिंग नहीं किया, उसकी वॉल्यूम गोलाई इत्यादि का कोई मॉडलिंग नहीं है उनके चित्र में। ब्रश ड्राइंग में एक प्रवाह है जो एक निश्चित रूप बनाने के बजाय रंगों की छाया बनाता है। पहले भी मैंने बताया कि उन्होंने फॉर्म को विशेष महत्व नहीं दिया, कलर के फ्लैटनेस को महत्व दिया है। तेज सफ़ेद और काली रेखाओं के अलंकरण के साथ चित्र सतह को उन्होंने संपूर्ण किया है। कोई भी कह सकता है कि सलोज मुखर्जी के पास नव्य कला का, नई कला का एक निश्चित उद्देश्य था। उनकी कला कला के लिए थी। सलोज मुखर्जी के काम को यदि हम स्वतंत्रता पूर्व की भारतीय कला परिदृश्य और स्वतंत्रता पश्चात उदय होने वाली आधुनिकता के संदर्भ में देखेंगे, तब हम उनकी भूमिका को सरलता से समझ सकते हैं। ने की जिज्ञासा बढ़ रही है। थैंक यू संचित जी। जिज्ञासा नहीं बढ़ेगी तो मेरे पढ़ाने का उद्देश्य क्या हुआ, है ना? तो हम लोग आगे अब चलते हैं। उनकी कला में हमें बंगाल शैली, गढ़वाल शैली और 19वीं शताब्दी की स्वच्छंदतावादी की विशेषताएं उजागर होती दिखती है। ये हमने पहले भी बताया है, फिर से आपको बता रहा हूँ। उनकी पेंटिंग्स कौन कौन सी हैं? वर्किंग डेज, विंडी डे, एट द वॉल, फ्रूट मार्केट, टू सिस्टर में जीवन का रोमांस और काव्यात्मक प्रकृति उनकी सहानुभूति व अनुभव के कारण ही आ सकी है। सलोज मुखर्जी संभवतः मातिस के प्रशंसक थे, हेनरी मातिस के प्रशंसक थे, लेकिन उनकी कला पर अत्यंत सज्जात्मक और चटक रंगों वाले फारसी कला और पूर्वी कला के परंपराओं का गहरा और अस्थायी प्रभाव पड़ा था। उनकी कला में गतिशील पृष्ठभूमि वाले ऐसे समतल रंग के पैटर्न देखे जा सकते हैं जो चटक रंगों से सजी है। यह पैटर्न लालित्यपूर्ण सफ़ेद या काली मोटी रेखाओं के सानिध्य में या फिर उनसे हटते हुए दिखते हैं। इस तरह के चित्रांकन के कारण उनकी कृतियों में एक अद्वितीय, एक स्पेशल क्वालिटी आ गई है, अद्वितीय विशेषता आ गई है। उनके कला कार्य को हम तीन प्रमुख कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं। ये आपको निश्चित है किसी भी पुस्तक में नहीं मिलने वाली, बहुत ही स्पेशल रिसर्च के आधार पे ये कलेक्ट किया गया है, संग्रहित है। तो तीन कालखंड में उनके चित्र को हम विभाजित कर सकते हैं। उनके आरंभिक चित्र जो हैं वो तुलनात्मक रूप से सरल और मुक्त हैं, रूप अधिक स्पष्ट हैं। इनमें एक सादगी है। दूसरी अवधि में 1949 से 1959 के 10 वर्षों की मैच्योर्ड कृतियां हैं, परिपक्व रचनाएं हैं, 1949 से 1959 के दौरान की बनाई हुई एकदम मैच्योर्ड कृतियां हैं, जो बिल्कुल आत्मविश्वासी, सहज और उनकी शैली को और दृढ़ता प्रदान करने वाली थी। अंतिम चरण में सलोज ने एक खास तरीके की गति और अबाधित ब्रश वर्क का बारंबार उपयोग करते हुए एक अधिक उच्च चरम शैली को विकास किया, डेवलप किया। उन्होंने अपनी शैली की अभिव्यंजकता को रेखा तथा रंग के अतिरंजन तथा विरूपण यानी डिस्टॉर्शन के सहारे, रेखा और रंग के अतिरंजन का अर्थ हुआ कि बहुत ज़्यादा मात्रा में रेखाओं का प्रयोग, अतिरंजित होकर के लगाना,
और विरूपण का मतलब डिस्टॉर्शन। तो विरूपण के सहारे और अतिरंजन के ब्रश स्ट्रोक के सहारे उन्होंने फाइंड किया है, अपनी शैली को तलाशा है। एक सरलीकृत शैली के लिए इन्होंने नैसर्गिकतावाद यानी यथार्थवाद को जानबूझकर छोड़ दिया। उन्होंने गहन भावनात्मक प्रभाव लाने के लिए ऐसा किया। यद्यपि उनकी निजी शैली में एक तरह की अधीरता दिखाई देती है, लेकिन उनके ओजस्वी तुलिकाघात यानी एकदम बोल्ड ब्रश स्ट्रोक के कारण उनकी कृतियों में लाइवनेस आ गई है, जीवंतता आ गई है। भले ही काम में जुटी हुई कृषकाय महिलाओं के चित्र हों या विश्राम करती हुई महिलाओं का, ग्रामीण भूदृश्यों का चित्रण हो या खंडहरों का चित्र हो, सभी में उनकी ये क्वालिटी दिखती है। उनकी कृतियाँ पोएटिक कंटेंट, विषय वस्तु और उन्माद से ओतप्रोत हैं। वे निस्संदेह महान हैं क्योंकि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक कला आंदोलन के पूर्ण महत्व को इन्होंने समझा है। भारत सरकार ने 1978 में सरोज मुखर्जी के चित्र द मस्क मस्जिद का एक चित्र है कि उसको केंद्रित करके भारत सरकार ने 1978 में एक डाक टिकट जारी किया था। आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं। डाक टिकट के ऊपर इनके चित्र को स्थान दिया गया। सरोज मुखर्जी की कलाकृतियाँ एक बड़ा संग्रह जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में भी रखी गई है। ओके, तो वहाँ पर सरोज मुखर्जी के संग्रह को आप वर्चुअल एग्जीबिशन लगी हुई है, आप लोग वहाँ जाकर के देख सकते हैं। सरोज मुखर्जी की जो एग्जीबिशन है, वर्क एग्जीबिटेड है वर्चुअल एग्जीबिशन में, उसको राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये प्रदर्शित है। उसके अलावा और भी क्रिस्टीज, सुदबीज सही कई संस्थाएं हैं, उनमें वहाँ भी वर्क है। दिल्ली की कई गैलरियों में भी इनके सेल आउट के लिए रखे हुए हैं। इनके वर्क की डिमांड आज भी लाखों में है। आप सभी लोग उसका अवलोकन कर सकते हैं। ये उस कलाकार के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ठीक है, तो सरोज मुखर्जी के विषय में आज आप लोगों ने इस वीडियो में जाना। बहुत ही कम समय में विस्तार से मैंने आपको बताया है, और उसकी प्लेट्स के लिए मैं आपको राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के वेबसाइट पर जाकर आप एक बार अवलोकन कर लें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन लोगों ने नहीं किया है, और 12 जून को पुनः नए क्वेश्चन सीरीज के साथ हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। नमस्कार।